सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों के लिए एक अहम सौगात पेश करेंगे। देश के किसानों के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। इनमें से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके तहत पैसे सीधा किसानों के खाते में डाले जाते हैं। हर चार महीनों में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं और पीएम कल अगली किश्त जारी करेंगे। देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी को काबिज हुए 8 साल पूरे हो गए हैं, जबकि दूसरे कार्यकाल की तीसरी सालगिरह के मौके पर बीजेपी ने जश्न मनाने की पूरी तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी रैली करेंगे। पीएम मोदी की ये रैली शिमला में होगी, जहां वे किसानों को संबोधित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के किसानों की सम्मान निधि योजना की अगली किश्त जारी करेंगे। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और कर रहे हैं पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त का इंतजार, तो यह खबर आपके बड़े काम की है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए की धनराशि किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। ये जो धनराशि है किसानों के खाते में 4 महीने के अंतराल पर ट्रांसफर किए जाते हैं। साल में 3 किस्तें किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। साल की पहली किस्त 1 अप्रैल से 30 जुलाई के बीच दी जाती है। दूसरी किस्त 1 अगस्त से लेकर 30 नवंबर के बीच किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। वहीं तीसरी किस्त की बात करें तो 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च के बीच किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। वहीं अब किसान बेसब्री से 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जो कि किसानों के खाते में होली से पहले ट्रांसफर किए जाएंगे। आपको बता दें, यदि आप भी पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त की जो धनराशि 2,000 रुपए के ट्रांसफर की जाने वाली है, यदि आप उसका लाभ पाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने EKYC तथा भूलेख सत्यापन का कार्य करवा लेना होगा। यदि आपने अभी तक भी अपनी EKYC अपडेट नहीं करवाई, तो जल्द से जल्द अपनी EKYC अपडेट करवा लें, अन्यथा आपके खाते में पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त जो धनराशि है ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। देश के 2 करोड़ से ज्यादा किसानों का नाम पीएम किसान योजना की लिस्ट से काट दिया गया है, क्योंकि ये अपात्र किसान पीएम किसान योजना का गलत तरीके से फायदा उठा रहे थे। इसलिए आप जल्द से जल्द अपनी EKYC अपडेट करवा लें, ताकि आपके खाते में किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए। धन्यवाद।